करण के बॉलीवुड प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल्स जो है वो लीक हो गई हैं, कौन सी वो फिल्म है जिसको करण करने वाले हैं, ये सारी डिटेल जो है मैं हीना कुमावत फिल्म इंडस्ट्री आपको बताऊंगी। तो करण ने, आपको याद होगा जब मैंने करण का इंटरव्यू किया था तो मैंने उनसे पूछा था आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है, किस तरीके से हैं, उन सारी चीज़ों पर करण खुलकर बात करते हुए नजर आए थे। अब जो है जब करण से, अब करण की फिल्म को लेकर खबर आ रही है कि वो इलियाना डी क्रूज और रणदीप हुड्डा के साथ फिल्म कर रहे हैं जो इसी साल के एंड में रिलीज हो जाएगी और उसकी शूट जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो अब करण कुंद्रा बिग बॉस के बाद लगातार बिजी हैं। प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो जेलर बनकर जा रही हैं लॉकअप में, और जब वो लॉकअप में जाते हैं तो आप देखते ही हैं कि व्यूवरशिप कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। इसके बाद रुला देती है म्यूजिक वीडियो क्या, कमली किया, कई सारे प्रोजेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, वेब सीरीज का ऑफर है और जो फिल्म वो करने वाले हैं वो इलियाना और रणदीप हुड्डा के साथ है। तो जो डिटेल सामने आ रही है वो यही है कि करण कुंद्रा के पास इस साल के एंड तक अब किसी भी प्रोजेक्ट को साइन करने के लिए शायद डेट्स तक नहीं है क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है। वहीं नागिन को लेकर मैं बात करूँ तो जो डायरेक्टर है उन्होंने कल एकता की पार्टी से निकलकर इस बात को रिवील भी किया कि वो इस बात की डिमांड कर चुके हैं कि उन्हें करण कुंद्रा जो है नागिन में चाहिए और इसके लिए उन्होंने ट्रैक तक तैयार कर लिया है। तो अब देखना होगा कि क्या करण नागिन का हिस्सा बनते हैं। फिल्म जो है उनकी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी क्योंकि इस साल के अंत में शूट होनी है। इन दो म्यूजिक वीडियो के अलावा, यानी कि रुला देती और कमली के अलावा, एक और उनका म्यूजिक वीडियो है जिसका शूट होना बाकी है जो जल्द ही रिलीज होगा। तो एक बात कह सकते हैं कि करण बिग बॉस खत्म होने के बाद मोस्ट, अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा व्यस्त यानी कि बिजी कॉन्टेस्टेंट है और बैक टू बैक उनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं।